गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टुडेज चैप्टर इज चैप्टर 10 बिग एंड क्लोज. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर चैप्टर 10. ओके, सो इस चैप्टर में अपन बात करेंगे बीक्स एंड क्लोज के बारे में. बर्ड्स के जो बीक्स एंड क्लोज होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे. सो नाउ सबसे पहले अपने पास में है बीक्स. तो बीक्स के अंदर डिफरेंट टाइप की बीक्स होती है इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, इन बर्ड्स के अंदर, सॉरी बर्ड्स के अंदर. ठीक है, कौन कौन सी होती है? लाइक क्रैकर बीक्स, स्पीयर शेप्ड बीक. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप की जो बीक्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज की जाती है. ओके, एंड स्टनर बीक्स होती है इनमें, चीजल शेप्ड बीक होती है, हुक शेप्ड बीक होती है, ट्वीजर शेप्ड बीक होती है, स्ट्रॉ शेप्ड बीक, स्विस आर्मी नाइफ बीक हो गई. ठीक है, तो ये क्या हो गई? डिफरेंट टाइप की बीक्स हो गई. इसी टाइप से डिफरेंट टाइप की इनमें क्लॉज भी प्रेजेंट होते हैं. क्लॉज कौन कौन से होते हैं? क्लॉज क्या होते हैं इनके, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने प्रे शिकार को इनसे पकड़ने में हेल्प करते हैं, कुछ स्विमिंग में करते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं उनके क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. ठीक है, एंड फूड को हॉल्ट करने में हेल्प करते हैं. तो इस टाइप से इनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पज होता है डिफरेंट टाइप के क्लॉज के लिए. नाउ वेडिंग बर्ड्स इनमें होते हैं, पर्चिंग बर्ड्स होते हैं, स्विमिंग बर्ड्स में डिफरेंट टाइप के क्लॉज होते हैं, फ्रेश ईटिंग बर्ड्स होते हैं. ठीक है, एंड स्क्रैचिंग बर्ड्स, रनिंग बर्ड्स, क्लाइंबिंग बर्ड्स. ठीक है, तो ये क्या हो गई? डिफरेंट टाइप के इनमें क्या हो गई? ये बर्ड्स हो गए. तो इन डिफरेंट टाइप के जो अभी अपने टाइप्स देखे बर्ड्स के, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लॉज जो है वो प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के क्लॉज जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर. नाउ आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्ड्स यूज देयर बीक्स. जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी बीक्स का किस में यूज करते हैं? सो ईटिंग. किसके लिए यूज करते हैं? ये ईटिंग के लिए. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट काइंड ऑफ बीक किंग फिशर हैव. जो किंग फिशर है उसमें किस टाइप की बीक होती है? सो इट इज लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स. नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेडिंग बर्ड्स. इनमें से वेडिंग बर्ड्स कौन सा है? सो इट इज क्रैन. कौन सा बर्ड है इनमें वेडिंग बर्ड? कौन सा हो गया? क्रैन. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज बर्ड्स डू नॉट हैव. बर्ड्स में क्या नहीं होता है? टीथ. बर्ड्स में क्या नहीं होता है? टीथ. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज विच पार्ट ऑफ द बॉडी बर्ड्स यूज फॉर वॉकिंग, कैचिंग, क्लाइंबिंग, पर्चिंग. ठीक है, तो क्लॉज का यूज करते हैं इस टाइप से. नेक्स्ट वी हैव इज बर्ड्स वन एंड डक. डक एंड स्वान जो है वो कैसे बर्ड्स हैं? स्विमिंग बर्ड्स हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट द बीक्स ऑफ बर्ड आर कॉल्ड. बर्ड्स की जो बीक्स होती है उनको आप क्या कहेंगे? बिल्स. स्पैरो एंड क्रो पर्च ऑन ब्रांचेस. बर्ड्स क्लीन देयर फियदर्स, अपनी बीक से फियदर्स क्लीन करते हैं. डक हैज स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बीक्स. डक में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एंड फ्लैट बीक होता है. स्विमिंग बर्ड्स वेब फीड रूट में. ये राइट हो गया. ठीक है, तो ये राइट एंड रॉन्ग का है, तो ये आप कर लोगे. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द फंक्शन ऑफ द बीक्स ऑफ बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स की जो बीक होती है, ठीक है, उनके क्या क्या फंक्शंस होती है, क्या क्या काम करते हैं? ठीक है, तो जो इनका इंपॉर्टेंट जो वर्क होता है वो तो क्या हो गया? ईटिंग का. इसके अलावा और कौन कौन से वर्क करते हैं वो? जैसे अभी अपन ने देखा बर्ड्स अपने फियदर्स को भी क्लीन करते हैं बी की हेल्प से. ठीक है, इसी टाइप से जो डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं वो सारे आपको बताने हैं. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब अबाउट स्टर्नर बीक. जो स्टर्नर बीक अपन ने टाइप्स ऑफ बीक में स्टडी किया था, उस स्टर्नर बीक को आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है, उसके बारे में डिटेल में बताना है. व्हाट आर टैलेंट्स. टैलेंट्स क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्लोज डू स्क्रैचिंग बर्ड्स हैव. ठीक है, जो स्क्रैचिंग बर्ड्स होते हैं उनमें किस टाइप के क्लोज होते हैं? ओके, नाउ लास्ट वी हैव इज व्हाट इज प्रीनिंग. प्रीनिंग क्या होती है? ठीक है,
So your chapter is completed and exercise of this chapter also completed. Okay, and best of luck for your exam. So thank you.